पुलिस वालों ने पेट्रोल पंप पर पानी भर के फ्रैंकलिन को डुबा डुबा के मार डाला और उसके बाद उसने बिजली छोड़ के उसे पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है कुछ ही दिन पहले की। फ्रैंकलिन जैसा दिखने वाला बंदा पुलिस स्टेशन पे आया, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद उसने अपनी गन निकाली और दो पुलिस वालों को पार्ट से हेडशॉट लगा दिया। उसके बाद वो भाग गया वहां से। जो भी पुलिस वाले वहां पे खड़े थे उन्होंने पहचान लिया कि ये फ्रैंकलिन है, बट वो फ्रैंकलिन नहीं था। ये बात है रात की जब फ्रैंकलिन सो रहा था। उसके बाद पुलिस वालों की एक गाड़ी उसके घर के पास आई। फ्रैंकलिन को कुछ भी अंदाजा नहीं था उसके साथ अब क्या होने वाला। फ्रैंकलिन को पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बिठाया और फ्रैंकलिन अभी तक सो रहा था। फ्रैंकलिन घंटा उसे कुछ नहीं पता था और गाड़ी चल रही थी, गाड़ी जा रही थी पेट्रोल पंप की तरफ। पेट्रोल पंप सामने ही है। पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी जाके रुक गई। कुछ और पुलिस वाले वहां पे भी थे और उन्होंने एक मोटर को नीचे उतारा, मोटर फिट करने लगे पेट्रोल पंप में और पेट्रोल पंप को कवर कर दिया था वॉल से और उसमें भरने लगे पानी और पानी के साथ मिक्स था पेट्रोल, जिसमें कि वो शॉर्ट सर्किट करने के बाद पूरा का पूरा ब्लास्ट करने वाले थे और फ्रैंकलिन को भी खत्म करने वाले थे। मोटर फिक्स हो गई, पानी भर गया। उसके बाद उन्होंने फ्रैंकलिन को उस पानी में फेंक दिया, जिससे कि फ्रैंकलिन की एकदम से आंख खुल गई। फ्रैंकलिन बहुत जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बट उसे कोई बचाने नहीं आ रहा था। बट अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फ्रैंकलिन खाली बचाओ 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 कह रहा था क्योंकि उन्होंने अभी तक बिजली नहीं छोड़ी थी। उन्होंने चारों तरफ से पेट्रोल पंप को कवर किया हुआ था। फ्रैंकलिन बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी पानी में, जिससे कि फ्रैंकलिन तड़प तड़प के खत्म हो गया। बिल्कुल समाप्त। 3 days later के भाई ने उसको फोन किया। उसके भाई का नेम है फ्रैंक, जो कि फ्रैंकलिन का छोटा भाई है। उसने उसको फोन किया, छोटे भाई ने। उसे रैंप्स वगैरह पार करने में बहुत मजा आता है, तो वो हर टाइम यही काम करता रहता। आज उसका मन था फ्रैंकलिन के साथ एक रैंप चैलेंज करने का, बट फ्रैंकलिन को उसने फोन लगाया, फोन नहीं लगा। फिर से लगाया, नहीं लगा। थोड़ी देर रुक गया। उसने कहा चलो ठीक है, शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा लाइन वगैरह में। बट उसने एक रैंप को कंप्लीट किया, फिर से फोन लगाया। फ्रैंकलिन ने फिर से फोन नहीं उठाया और उसने लास्ट टाइम फिर से फोन लगाया। पहले तो रिंग जा रही थी, अब की बार रिंग भी नहीं गई, मतलब कि ये फोन था पुलिस वालों के पास। 4 बार बजा, पुलिस वालों ने नहीं उठाया। उसके बाद पुलिस वालों ने फोन को तोड़ दिया। उसके बाद फ्रैंक को शक हुआ कि ये चीज क्या हो रही है। पहले तो घंटी जा रही थी, अब कुछ भी घंटा हो ही ना रहा। अब वो अपनी फॉर्च्यूनर लेके निकल पड़ा फ्रैंकलिन के घर। उसको जाना था फ्रैंकलिन के घर पे पता करने के लिए क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और वो बहुत स्पीड से गया, सब कुछ भूल गया वो, रैंप सब कुछ। वो खाली इतना देखना चाहता था कि फ्रैंकलिन सही है कि नहीं। और वो जल्दी से पहुंचा फ्रैंकलिन के घर पे और फ्रैंकलिन के घर पे जाके देखा। उसने पूरा का पूरा घर छाना, नीचे ऊपर जिम जितने भी उसके यार दोस्त सबको कॉल किया, किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ है और कहाँ गया है। उसके बाद उसने फाइनली ट्रेवर को फोन लगाया, जो कि फ्रैंकलिन के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट था ट्रेवर का और उसके साथ ही वो रहता था, शायद उसको पता। उसने ट्रेवर को फोन लगाया। ट्रेवर ने उसे बुलाया उसके ओल्ड हाउस पे, कहा कि तुम वहां पे आओ और तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ। फ्रैंकलिन वैसे भी घबराया हुआ था और वो निकल चुका था अपने ओल्ड हाउस की तरफ। ट्रेवर से पहले वो पहुंच गया वहां पे और बहुत देर इंतजार कर रहा था। बाद में ट्रेवर का फिर से फोन आता है। ट्रेवर ने कहा मैं थोड़ा दिक्कत में फंस चुका हूँ, तो तुमको मैंने एक मैसेज भेजा है, अपने फोन में वीडियो भेजी है, वो अगर तुम चाहो टीवी में भी चला सकते हो, चाहो तो अपने फोन में चला सकते हो। तो फ्रैंकलिन ने जल्दी से उसको टीवी से कनेक्ट किया और वीडियो चला दी। और वो वीडियो कोई और नहीं, वो थे उसके घर के सीसीटीवी कैमराज की फुटेज और स्टेशन के कैमराज की फुटेज। और दोनों फुटेज को उसने देखा, जिसमें कि एक गाड़ी आती है, उसको उठाती है, लेके जाती है, उसके बाद पेट्रोल पंप के उसके साथ उसको खत्म कर देती है। और बाद में उसे पता चला इसके पीछे पुलिस वालों का हाथ था।
उसका पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो गुस्से में पुलिस स्टेशन पे नहीं जाता, मतलब कि वो माइंडसेट गेम खेलना चाहता था पुलिस वालों के साथ। और उसने अपना थोड़ा माइंडसेट यूज किया, उसने प्लान बनाया, उसने दो प्लान बनाए। प्लान ए उसने ये बनाया कि वो जाएगा पुलिस स्टेशन और फ्रैंकलिन की रिपोर्ट लिखाएगा, और रिपोर्ट लिखाने के बाद अगर पुलिस वालों ने कुछ हरकत करी तो समझ लो कि पुलिस वाले कंफर्म, और वो गन भी लेके जाएगा साथ में और सबको भून डालेगा वहीं पे वहीं। और अपना प्लान बी, पहले जाएगा पुलिस स्टेशन और उनको ये दिखाएगा कि मैं ही फ्रैंकलिन हूं, क्योंकि फ्रैंकलिन जैसा ही उसका भाई है, बिल्कुल सेम टू सेम है। वो फ्रैंकलिन दिखाएगा कि मैं फ्रैंकलिन अभी जिंदा है, तो फ्रैंकलिन को वो मारने की कोशिश करेंगे फिर से, उसको लेके जाएगा गाड़ियों के साथ, पूरे के पूरे पुलिस वालों को लेके जाएगा पेट्रोल पंप पे, और जो उन्होंने फ्रैंकलिन के साथ किया वही उनके साथ भी होगा। प्लान ए प्लान बी एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका था। फ्रैंकलिन निकला पुलिस स्टेशन की तरफ, पुलिस स्टेशन बहुत स्पीड से गया और उसने मास्क लगा लिया जिससे कि वो पहचान ना पाए, और वो गया सीधा पुलिस वालों के पास। उसने रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखाने की बात करी कि फ्रैंकलिन की रिपोर्ट लिखानी है, वो गायब है, पता नहीं कहां पे गया। और फिर पुलिस वालों ने बड़े ही आराम से रिपोर्ट भी लिख डाली, मतलब समझ रहे हो, वो अपना गुनाह छुपाने के लिए रिपोर्ट लिख रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल केस, रिपोर्ट लिखी जा रही है, सब कुछ सॉर्ट आउट, सिंपल चल रहा है, प्लान ए फ्लॉप हो चुका है हमारा। अब आते हैं प्लान बी में, मतलब कि प्लान बी इट इज अ सक्सेसफुल काम करेगा ही। प्लान बी में फ्रैंकलिन मास्क उतार के, फ्रैंकलिन के कपड़े पहन के जाता है कि दिखाता है कि मैं ही फ्रैंकलिन हूँ। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, दो बंदे उसे देख लेते हैं बाहर वाले, और जो भागे भागे जल्दी से आते हैं फ्रैंकलिन को मारने के लिए, बट फ्रैंकलिन उनमें से किसी को घंटा नहीं मारता, क्योंकि वो वही मौत देना चाहता था जो उन्होंने उसके भाई को दी थी पेट्रोल पंप पे। वो चुपचाप जल्दी से भागता है अपनी बाइक को लेकर, और पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं, और भी पुलिस वाले आ जाते हैं, पूरी आर्मी आ जाती है, वो सबको एक साथ खत्म करना चाहता था। वो बहुत स्पीड से पेट्रोल पंप की तरफ नहीं जा रहा था, वो धीरे धीरे जा रहा था कि सब लोग मुझे देख के वहां पे आए, और वो सब लोग पीछे भी आ रहे थे। और वो जैसे जैसे पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ रहा था, और सब लोग पुलिस वाले डर रहे थे कि ये व्हाट इज दिस वे, उधर साइड क्यों जा रहा, और सबको ऐसा रहा था वही फ्रैंकलिन है। और वो जल्दी से पेट्रोल पंप पे जाके पहुंच गया, और सबसे पहले पहुंच के उसने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पहले ही ऑन कर दी। उसके बाद उसने अपनी गन निकाली, सारे पुलिस वालों को बिल्कुल खत्म करने लगा, सारे के सारे पुलिस वाले खत्म कर डाले उसने, मतलब कि इतने पुलिस वाले आ गए थे कि बहुत ज्यादा, सारे के सारे पुलिस वालों को पेट्रोल पंप के अंदर नहीं डाल सकते थे, तो आधे पुलिस वालों को उसने गंदा खत्म किया, बिल्कुल AK-47 से बिल्कुल चीर फाड़ डाला। और जो भी पुलिस वाले बचे थे, एक एक पुलिस वाले को उसने पेट्रोल पंप के अंदर जो पानी भरा था उसमें फेंका, एक एक करके सबको फेंका भाई, लगा लो 10-15 पुलिस वाले फेंक डाले उसने, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन थी जिससे कि वो तड़प तड़प के खत्म हो गए। फ्रैंक का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, वो सीधा निकल गया पुलिस स्टेशन पे, पुलिस वालों को तो खत्म कर दिया, पुलिस स्टेशन चला गया वो। पुलिस स्टेशन पे जाके उसने पुलिस स्टेशन को आग लगाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम ऑल सेट किया, सारे सिलेंडर लगाए, सारे गैस सिलेंडर पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में फैला दिए जिससे कि इसको फोड़ना चाहता था, कि पुलिस स्टेशन को ही बिल्कुल खत्म करना चाहता था। तो सारे के सारे गैस सिलेंडर उसने इधर उधर बिछा डाले, पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को भर डाला। उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे गया और अपनी गन निकाल के पूरे पुलिस स्टेशन को